ग्वालियर शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर मार्केट में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में इसे संदिग्ध माना है और इसी के आधार पर मृतका रजनी शिवहरे का पोस्टमार्टम कराया गया है। घर वालों का कहना है कि नरेश शिवहरे से रजनी की शादी करीब 22 साल पहले हुई थी। नरेश मयूर मार्केट में किराने की दुकान चलाता है, लेकिन वह नशे का भी आदी है। इसे लेकर पति पत्नी में अक्सर टकराहट होती रहती थी। मायके पक्ष के मुताबिक नरेश शिवहरे पत्नी रजनी को मायके भी नहीं जाने देता था और आए दिन उसकी मारपीट करता था। इस कारण मायके पक्ष के लोग रजनी से मिलने भी नहीं जा पाते थे। उन्हें उम्मीद थी कि देर सबेर नरेश की आदतों में सुधार आ जाएगा, लेकिन उनकी यह धारणा गलत साबित हुई। बीती रात रजनी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ससुरालियों ने बताया कि उसने चूहे हमार दवाई खा ली है। इलाज के दौरान रजनी की मौत हो गई। अस्पताल से पुलिस को सूचना भेजी गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार वालों ने रजनी की हत्या का आरोप लगाया है। मेरी बहन को मार दिया गया, गला दबा के उसे जहर खिलाया। किसने मारा है, क्या नाम है बहन? मेरी बहन का नाम है रजनी। रजनी नरेश शिवहरे ने मारा। थाटीपुर के रहने वाले हैं। 31 मई मार्केट किराने की दुकान है। शादी से के बाद बराबर मारते पीटते थे। कभी घर नहीं आने देते थे, न जाने देते थे। नशा पत्ता करते थे लोगों को दोनों टाइम। हाँ, रजनी की शादी कब हुई? 22 साल। 22 साल से मारपीट कर रहे हैं। 22 साल से मारपीट कर रहे हैं। क्या करते हैं वो? करते थे, किराने की दुकान है उनकी। किस किस वजह से, क्या कारण क्या है उनकी मृत्यु का? कोई कारण नहीं, नशा करके मारते थे, पिटाई करते थे, ये कारण। उन्हें गला दबाया हथियार से और जहर खिलाया। जी, रात की 3 बजे की। कहाँ पर रहते हैं? थाटीपुर 31 मई मार्केट। क्या करते हैं? किराने की दुकान है। इससे पहले आपने कभी शिकायत करी थी थाने में जाके? नहीं, थाने में जाके कभी शिकायत नहीं की। ये सोचता था चलो हो जाएगा मामला ठीक हो जाएगा, घर के हिसाब से कभी नहीं कहा, लेकिन ये नहीं माने। आप कौन लगते हैं? उनके बहन, मेरी बहन थी रजनी, उनके भाई हैं। तो अभी कितने से 22 साल शादी के बच्चे हैं? 22 साल, 3 बच्चे, 1 बच्ची, 2 बच्चा, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। ये सुबह हमें डीएस से सूचना आई थी, एक महिला चूहे खाने की दवा खाली है और यहाँ एडमिट हुई है, ख़त्म हो गई है। तो उसको हमने मार्ग इंटरवेंशन काम करके यहाँ अधिकारियों को भेजा था। तो महिला का भी पीएम हो रहा है और घर वाले जैसा आरोप लगा रहे हैं, उसके आधार पर हम जांच करेंगे, जो कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। क्या नाम है? रजनी महिला का नाम। उसकी बॉडी पर कुछ चोटों की निशान भी? अब वो हम डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे, उसके डॉक्टर कैसे निशान है, क्या निशान है। परिजनों का आरोप है कि बहुत वो आगे जाँच का विषय है। इसको मार रहा था और इसके पति ने इसको मारा। अभी हम पे ऐसे पहले कोई सूचना नहीं थी। अभी परिजनों से हम चर्चा करेंगे, उनके बयान भी लेंगे, जैसे भी आगे स्थिति बनेगी ऐसी कार्रवाई करेंगे।